अगर तुमने 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट नहीं करवाया तो फिर देखो, फिर नहीं डाल रहा मैं नहीं जब डालूंगा तो तब भी, पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और करवा दो यार। ये अंदर ये हमारा घर है, ये बाहर की बालकनी है, ये हमारे पड़ोसी हैं सब, ठीक है। वाईफाई का राउटर यहाँ लगा हुआ है ये, तो यहाँ थोड़ी स्पीड तेज आती है। अब इस चक्कर में वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए, मैं बाहर बैठा हूँ, अभी दिखा रहा 19 मिनट, अंदर दिखा रहा था 1 घंटा 35 मिनट। मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ के कर लेंगे, अब यहाँ कुछ उठा के लाऊं, गद्दा वद्दा उसमें इतना टाइम वेस्ट होएगा, मैंने सोचा ऐसे बैठ जाता हूँ। तो देख रहे हो कुल मिला के तुम एक व्लॉगर का स्ट्रगल देख रहे हो लाइफ का। अब ये व्लॉग डाल के फिर मैं नहाऊंगा, फिर नहा धो के फिर जाऊंगा मैं कैमरा लेने के लिए, तो आपको नहाने के बाद मिलूंगा। बस आपको ये बता रहा था कि स्ट्रगल देख लो, कहां तो मेरा नहाने का प्लान बन रहा था और कहां मैं वीडियो डाल के सो गया। अभी उठाऊं, अब मैं सोच रहा हूं कि नहाऊं ना नहाऊं या ना नहाऊं, और जहां तक मैं अपनी शक्तियों का यूज करके सोच पा रहा हूं कि मैं क्या सोचूंगा, मैं यही सोचूंगा कि आज नहीं नहाते हैं। अगर कुछ काम आ गया तो अलग बात है, वरना मैं मुश्किलें नहाऊंगा, कपड़े चेंज कर लूंगा बस। अगर सो जाओ तो इतना आलस भर जावे थोड़ी देर तक, मतलब 2-3 घंटे उसे निकालने में लग जाते हैं तुम्हारे, कि सोने वाले मूड में होते, फिर तुम ऐसे पड़े रहो ढीले, हाथ पैर थोड़े कम काम करते हैं। अगर ना सो तो फिर तुम वैसे थके थके से रहो कि तुम्हारे हाथ पैर फिर भी काम नहीं करते। तो मतलब क्या करें भाई, ये गर्मी का मौसम ना मेरे को इसलिए बेकार लगता है, गर्मी में ना बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी हर चीज में ना इरिटेशन सी हो जाती है बहुत ज्यादा। सर्दियां ठीक है अपने, सर्दियों में रजाई लो और पड़े रहो, उसमें भी ऐसे ही हो गया यार कुल मिला के बात की, या तो सोते रहो या फिर रजाई में पड़े रहो। अगर सोने के पैसे मिलते ना, इंडिया सबसे अमीर देश होता मेरे ख्याल में, और मैं इंडिया में 2-3 नंबर पर होता, मुकेश अंबानी अंबानी टक्कर में होता कि हाँ ये बंदा कैडी चीज है भाई। कोई आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ जो मम्मी ने मंगवाई है, देखो ये हमारी वॉशिंग मशीन है, ठीक है भाई। अब इसका ये कवर मंगवाया मम्मी ने, मम्मी क्यों मंगवाया आपने एक बार प्लीज बताइए। धूल मिट्टी में खराब हो जाएगा मशीन, देख रहे हो नुगारी से कलर उड़ जाएगा, नई मशीन मंगवाई है। इतना केयर करते हैं मम्मी हर चीज का, जब अब नहीं सोच रहे तुम अगर मशीन कितनी केयर कर सके तो हमारी कितनी करती होंगी, नहीं मम्मी ना करती तो नहीं हो जाता है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब मशीन की इतनी केयर कर सके तो हमारी कितनी ज्यादा करती होंगी। एक तो तारीफ कर रहा हूँ ऊपर से, ये मत समझना कि मुंह धो लिया तो अब नहाऊंगा, नहीं मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं सोचता था कि नहा लूं, फिर मैंने सोचा कि पहले कैमरा ले आऊं, फिर मैंने कैमरा वाले को फोन करा जहां से हम दुकान से लेके आते सामान, तो वो कह रहा भाई जो अभी आपको चाहिए जो मैंने बताया उसे वो उसके पास था नहीं, तो मैंने सोचा चल बाद में देख लेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जा रहा हूँ जिम करूंगा, उसके बाद जिम में ही नहाऊंगा, स्टीम ले लूंगा और नहा लूंगा, थोड़ा पूरी बॉडी वो हो जाएगा, पूरी बॉडी वॉश हो जाएगी, बढ़िया स्टीम ले लूंगा। तो कपड़े क्या चेंज करने, पहले जिम कर लूंगा उसके बाद कपड़े चेंज कर, मतलब नहा के फिर कपड़े चेंज कर लूंगा, कपड़े ले जाता हूँ साथ, ये कर लेता हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ, मेरी आरती वारती होता है तो आ कई दिन बाद जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो कि अब की बार जिम छूटे ना, कह दो एक बार तो जिम तो छोड़नी पड़ेगी ना, वैसे कैसे कह दो। अरे यो कैसे आशीर्वाद दे रहे हो आप, तो काम करेगा तो जिम तो छूटेगी, अब छोड़ूंगा नहीं, पर जिम आप देखना, आप जो ये कराटे वराटे बच्चे कर रहे हैं, मेरा इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं जो जिस चीज के लिए मैं गोवा भी गया था उस चीज का अभी तक भी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, कुछ बड़ा जब करते हो तो उसमें टाइम लगता ही है, पर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। अगर बचपन में मेरे को ऐसे करवा देते ना मम्मी, तो समझ लो कि मैं आज वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा होता कहीं, पर उस टाइम नॉलेज ना थी, मिट्टी खाया करता उस टाइम तो मैं। देखो क्या प्यारा सनसेट का व्यू है, हैं दुनिया इस व्यू के लिए कोई गोवा जावे, कोई बीच पे जावे, कोई पहाड़ों पे जावे, या हमारे घर में थी देख लो तुम क्या शानदार व्यू दिख रहा है, मतलब घर में था ना सोसाइटी के बाहर से, घर तक दिख जाएगा वैसे तो, मतलब जहाँ हमारा फ्लैट है ना इतनी प्यारी जगह है, तुम अगर कोई यहाँ रहे तो इतना मन लगा रहे। और जहाँ हमने अभी नया फ्लैट लिया है वो तो एक नंबर अभी तो मैं दिखाऊंगा, बन जान दो एक मिनट, मतलब बन तो गया वो, पर अब उसमें छोटे मोटे काम रह रहे, लिफ्ट विफ्ट के बताना बहुत टाइम थे, कोविड के चक्कर में डिले होता जा रहा है, वरना अब तक तो हम शिफ्ट हो चुके होते, पर जब हो जाएगा उसके बाद जब तुम्हें दिखाऊंगा, ओहो तुम्हारा दिल खुश हो जाए, तुम कहोगे भाई मैं भी यहीं आ रहा हूँ। जगह की पब्लिसिटी ना कर रहा मैं, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बहुत प्यारी जगह है। कई बार मेरे को खुद को इतना सुकून मिला जब हम, मतलब जो हमारा गांव वाला घर था उसमें, मतलब ऐसा होया करता सुबह सुबह जब उठे करते ना तो ऐसे सरदर्दी रही करती कि बाहर गाड़ी खड़ी है मान लो तो ऐसा रहेगा था पीछे किसी और की गाड़ी निकलती, यार अगर खड़ा हो गया एक बार गाड़ी हटा दे, वो आगे कर दे पीछे कर दे, कभी नाली में कुछ फंसगा कभी कुछ होगा, ऐसा सरदर्द सा रह करता। यहाँ पे रहने का ये है कि सुकून है, देख गांव के एक अलग मजे हैं अपने, वहाँ पे ऐसा होता है कि यार दोस्त का पूरा सर्कल हो गया गांव में, मतलब सब एक साथ बैठे हैं अपने, कोई हुक्का पी रहा है कोई कुछ कर रहा है, वहाँ के एक अपने अलग मजे हैं, शहर के एक अपने अलग मजे हैं, मतलब अगर तुम कहीं सोसाइटी वगैरह में रहते हो तो दोनों के अलग अलग
फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह टाइप का इंसान था पहले, लेकिन जब से मेरे साथ ये BMW के 2-3 केस हुए ना, जब ये खराब हुई, कहीं बंद होगी, कभी कुछ होगा, उसके बाद मतलब इसने मैं इतना समझदार बना दिया कि अब मैं टाइम टाइम इसमें हवा भरवाता रहूं। कुल मिलाकर जो छोटी मोटी चीजें जिनको मैं इग्नोर करता था, उनकी वजह से दिक्कत होती थी। अब मैं उनका थोड़ा चेक करता रहूं कि भाई हां कोई दिक्कत ना हो, बजट ना हो, लेकिन होनी होगी किसी दिन, तो वो तो वैसे भी हो जाएगी, नई गाड़ी में भी हो सके, वैसे भी हो सके, पर फिर भी अपने साइड से सेफ चलूं थोड़ा सा। जैसे कि इस वाले टायर में हवा कम है भाई, ये पंचर तो नहीं है, कम ही होगी हवा, है ना? मतलब शक्ल ही नहीं दिखेगी तुम्हें क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, तो फिर पता क्या चलेगा, इसलिए मेरे को कई बार उतारना पड़ जाता है। कई बार मैं पहनता हूँ, लेकिन जैसे सीन शूट करना होता है वहाँ पे उतार लेता हूँ। कायदे से तो मैं वहाँ कोरोना को ये तो कहूंगा नहीं कि भाई मेरी वेट है, मैं अभी आ रहा हूँ, तू थोड़ी देर बाद आइयो मेरे पास, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जरूरी होता है पहनना वहाँ पहनता हूँ। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ के एरिया में जाओ तो थोड़ा मास्क वास्क पहन लिया करो, क्योंकि कुछ ना पता दोबारा केस बढ़ रहे हैं, अभी क्या सीन है क्या नहीं। पर फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही है, किसी और का तो कुछ हम बिगाड़ नहीं रहे। आज जिम जाने का सोचा, आज ये ट्रैफिक देख लो यहाँ, आज तक ये ट्रैफिक नहीं लगा, लेकिन आज प्रोग्राम करना पड़ा कैंसिल, क्योंकि मैं अपना तौलिया वोलिया लाना और फेस वॉश या बॉडी वॉश वगैरह सब कुछ लाना भूल गया था। बस अपना अंडरवियर रखा, टी शर्ट रखी, मैंने सोचा मैं बन गया अब शहंशाह और निकल लिया। लेकिन जब जिम आके देखा, नहाने की बारी आई, तो एकदम से सरप्राइज मिल गया कि ओहो ये सारी चीजें तो मैं लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, घर जाके नहा लूंगा, आज नहीं तो सुबह नहा लूंगा, पर नहा लूंगा इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब कल ही नहाया था, मतलब हाँ कल नहाया था शाम से को ही, तो इतना कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, एक दिन की बात है, एक दिन में तो कुछ नहीं होता यार, 24 घंटे ही नहीं नहाया, एक तरह से समझ लो कल सुबह सुबह नहा लूंगा जल्दी। जिम में मैच चल रहा था, आज इस पब्लिक तो मैच देख रही थी, मैं उनकी शक्ल देख रहा कि इनमें से कौन कौन सट्टा खेल रहा है इस टाइम। 2-3 ही खेल रहे थे बस, ज्यादा ना खेल रहे थे, अंदाजा लगा रहा था मतलब मैं, और मेरा अंदाजा ऑलमोस्ट सही होता है भाई, क्या बिखेर दिया साइकिल वाले भैया का कुछ खिंड गया। सिर्फ जिम करने से भी बॉडी नहीं बनती, तो तुम्हें डाइट वाइट भी उसके हिसाब से लेनी पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खा के आज सोऊंगा, चाहे लेट लेकिन जल्दी खा लूंगा। और दिन में क्या कर रहा था कि रात को 11-11 बजे 11:30-11 बजे खा रहा था, इसकी वजह से वो खाना रात को डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो पूरी रात पेट में पड़ा रहता है। लेकिन आज से ये सारी गलतियां बंद, आज से एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू। हिल तो ना रहे ना, इसका फोन ऐसा टूम हुआ पड़ा है इस टाइम की, जरा सा हिल जाए तो चार्जिंग पर हट जाता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, हटेगा तो गाइस मैंने ना अपना जिम में वो करवाया अपना BMI टेस्ट, वो मेरा पेपर सा है जो वो गाड़ी में रहेगा, या तो मैं सुबह दिखा दूंगा, नहीं तो तुम मेरी बात का भरोसा कर लो। पता है मेरे में कितना फैट हो गया? 15% 9.4 कुछ पे आ गया था मेरा बॉडी परसेंटेज जो फैट था, अब 15% हो चुका है। वेट मेरा हो गया 83 दोबारा, मतलब 90 था वैसे तो, एक बार जब बीच मेरा जो 90 तक गया 83 हो गया है, जो मेरा मतलब जो एक होता है ना उसमें दिखाता है कि तुम्हें कितना फैट कंट्रोल करना है। मेरे को 3.5 किलो कम करना है, ये चल रहा है मेरा करना, हाँ मतलब फैट कम करना है, तो वेट में से ही बिना खाए पिए होगा वो BMI हाँ खाली पेट में। कल सुबह सुबह चलेंगे, मेरा भी चेक करवाओगा मेरे में फैट कितना होगा। तेरा फैट माइनस में भी दिखा सके नुका जी, आप माइनस में चल रहे हो, मशीन पे क्लेम भी तो कर सकते हैं मेरे को ले जाकर। नुका जी आप माइनस में चल रहे हो, आपको अभी बढ़ाना है कम से कम भी 50-1 किलो। अरे फैट कुछ ना कुछ तो होगा यार, नू तो ना माइनस होगा। पेट दिखा एक बार, पेट ना दिखाओ, ले ऐसे दिखा दे, ऐप्स ऐप ना दिखा रहा, कैमरे मत दिखा, एकदम नु कर दो। अरे भाई मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, पर ये है कि इतने दिन बाद आज जिम गया, अच्छा सा लगा है, थोड़ा सा फैट है बस। कितना जैसे तेरे में बताऊँ कितना फैट होएगा? होएगा यार, फैट तो होएगा ही, देखो जो भी बात है तेरे में भी 11-12% तो फैट होएगा। मसल वेट मसल वेट पूछ रहा, मसल वेट नहीं, 250 ग्राम हड्डी वेट हो सकता है, 250 ग्राम हाँ मसल वेट भी होएगा ठीक ठाक सर। कल चलेंगे, चल तेरा BMI करवाएंगे ठीक है। गरज जरा माफ है, पता चला मशीन पे खड़ा हो, मशीन टूं टूं हटाओ इसे जो भी बला। बता ना मसल वेट कितना होगा, आइडिया बता। मसल वेट होएगा भाई तेरे में 25 किलो। तेरा कितना? मेरा 38 किलो था, आज मैंने करा 38 किलो मसल वेट ठीक है मेरा, मेरा बस फैट बढ़ रहा है थोड़ा सा, और ये मेरे को फैट तो दिख भी रहा यार, फेस फैट भी बढ़ गया। होना कितना चाहिए ऐसा? तेरा होना चाहिए इतना ही होना चाहिए तेरा, 25-32 किलो के बीच में उतना तेरा है, मतलब ठीक है सेट है मामला तेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर प्रोटीन छोड़ दो। प्रोटीन ले रहा है दाल के जरिए ले रहा है, दाल का है ना कभी कभी हफ्ते 10 दिन में, तो उसके जरिए इससे प्रोटीन मिला, उसने भी छोड़ने कह रहा है। अच्छा प्रोटीन पाउडर वाला? ओ ना वो मत छोड़, वो तो लेता रहा, वो जरूरी है।
बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, कल इतने दिन बाद जिम गया उसकी वजह से सारी मतलब ये मतलब कल मैंने शोल्डर और चेस्ट थोड़ा सा ज्यादा कर लिया था, मिक्स सा मारा था, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना दर्द हो सकता है। अरे भाई फोन किसका आगा सुबह सुबह, मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत दर्द होगा, इतने दिन बाद जिम कर रहा हूं तो दर्द तो होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना दर्द होगा ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने वैसे एक्सरसाइज भी थोड़ी दबा के मारी थी, मैंने कहा चल खुल के करते हैं, अब इतने दिन बाद कर रहा हूं तो बढ़िया वेट मारा था, लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा हाथ ये शोल्डर ऐसे ऊपर कैमरा उठाने में दर्द कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक फाइनल अपडेट देता हूं हरियाणवी छोरा इन कॉलेज पार्ट 4 के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो चैनल पे नए लोग आ रहे हैं वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा लो, हमारे 2 लाख होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो, उसकी ना एक अलग ही खुशी मिलती है कि 200K हो गए कंप्लीट, मतलब समझ रहे हो तुम सब्सक्राइबर्स, उसके बाद देखने में अच्छा लगता है कि 200 की लाइन में जब आ जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, घंटा दबा लो। अब बताता हूं मैं आपको हरियाणवी छोरा इन कॉलेज पार्ट 4 का क्या सीन चल रहा है। तो उसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसका मैं पहले बड़े लेवल पे निकाल रहा था, मतलब अच्छे लेवल पे निकाल रहा था, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूं, थोड़ा सा नॉर्मल मतलब शूट कर रहा हूं, अच्छा ही करूंगा लेकिन थोड़ा जल्दी के चक्कर में, जल्दी का जो जल्दी काम होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही हो पाएगा, लेट वाला काम थोड़ा तगड़ा होता। तो फिलहाल मेरा ये प्लान है कि जो मेरी अगली वीडियो मेन चैनल पे आएगी हाफ इंजीनियर पे, वो हरियाणवी छोरा इन कॉलेज का पार्ट 4 ही आएगा, जिसमें पहले शुरू में स्टोरी होगी, फिर उसके बाद गाना होगा, फिर स्टोरी मतलब ऐसे थोड़ा सा एंड करेंगे बढ़िया तरह से। उसकी सारी तैयारियां मैंने रात को ऑलमोस्ट कर ली है, बस एक 2-3 चीजें जो है फाइनलाइज करके उसका शूट शुरू करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगली वीडियो जो हाफ इंजीनियर चैनल पे आएगी वो हरियाणवी छोरा इन कॉलेज का पार्ट 4 ही आएगी, 99.9% वही आएगी, लेकिन अगर कुछ बीच में अर्जेंट में कुछ वीडियो करनी पड़ गई तो वो अलग बात है, इतना आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर कोई मजबूरी फंस जाए तो अलग चीज है, वरना वही आएगा, उसी पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो थैंक यू सो मच उस सीरीज को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए कि मतलब आप लोग इतना वेट कर रहे हो, और मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, जो फोर्थ एपिसोड जो आएगा वो बहुत ही धांसू आएगा, एक अलग ही चीज निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तक वो नहीं आता तब तक व्लॉग्स देखो, और जो पुराने वीडियोस मैंने डाली हैं या आगे डालूंगा वो देखो, और अगर तुमने 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट नहीं करवाया तो फिर देखो, फिर नहीं डाल रहा मैं नहीं, जब डालूंगा तो तब भी, पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और करवा दो यार, फिर पावरी करेंगे कहीं पर चल के बढ़िया सी जगह पे घूमने चलेंगे मतलब कहीं, तो जल्दी 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 सब्सक्राइब का बटन दबाओ और 2 लाख पूरे करो। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एडिट करके डाल देता हूं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज सुबह आएगा व्लॉग, जल्दी आएगा, 12 बजे से पहले बोला था, लेकिन ये मैं आपको 10-11 डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, घंटा भी दबा लेना, ठीक है, बाय बाय। वारदात देख अच्छे अच्छे हाथ जोड़ दें, ऑल ओवर इंडिया में ना कहीं भी टोल दें, करते ना यूज पिस्टल कारतूस कड़े, मार मार बैरिया की खोपड़ी ने खोल दें, हाई रेट सैगरेट कदे शामिया के फेट, छोरे मोस वांटेड से लगे परचे, हरियाणा के ऊंट बेटा वे को ना सूत मारे, बैरिया की महफिला में हो मैं चलते।